विश्व हिंदू परिषद का उत्तर भारत के सुंदरनगर में चल रहे 10 दिवसीय इंद्रप्रस्थ क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री आलोक शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आलोक ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का ये शिविर उत्तर भारत के सभी पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शन के लिए किया जा रहा है। इस शिविर में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल से लगभग 150 कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयासरत है और मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, जिसकी पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए 19 और 20 जून को हरिद्वार में बैठक आयोजित करके अगली रूपरेखा तैयार करेगा। राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बने, इसके लिए दोबारा प्रयत्न शुरू कर 19 और 20 जून को हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसमें आगे के कदम तय करें। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित मीडिएशन चल रहा है, वह मीडिएशन परिणामकारी हो ऐसा हमारा प्रयत्न है। भूमि पर राम मंदिर बने, इस प्रश्न पर कुछ वो विचार है। और अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में वहाँ मुसलमानों की कोई बड़ी जनसंख्या नहीं, इसलिए वहाँ किसी नई मस्जिद की आवश्यकता है। इन दो बातों पर अडिग रहते हुए कोई रास्ता निकलता है तो रास्ता निकलेगा। सोलन में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता सोलन के चिल्ड्रन पार्क पर एकत्रित हुए और वहां स्थापित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर हार चढ़ाए और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की। कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों को याद किया और सभी ने उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास की इबारत लिखी है और जहां पहले सुई नहीं बनती थी, उन्हीं के कार्यकाल में सुई से लेकर जहाज तक बनने आरंभ हुए। उन्होंने कहा कि देश के विकास में चाचा नेहरू का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वे और उनकी टीम ना होती तो शायद हम आजादी की सांस भी नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया, यही वजह है कि आज भी सभी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। और उनकी जो इस देश के लिए उनके जो कार्य थे, इस देश के लिए उन्होंने जो महान कार्य किए, उसको उनको भी याद किया जा रहा है और उनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सभी देशवासी, कांग्रेसजन और तमाम देशवासी मिलकर उनके किए कार्यों को याद करें और इस देश की तरक्की में, विकास, इस देश के विकास में साथ रहें, इकट्ठे चलें, इकट्ठे मिलकर चलें। सोलन शहर में नगर परिषद शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पा रही है। सोलन शहर की जनसंख्या करीबन 1 लाख पहुंच चुकी है, लेकिन यहां के बाजारों में केवल शौचालय है और ये शौचालय भी रात को बंद हो जाते हैं, जिसके चलते महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही हालत सोलन के लक्कड़ बाजार की है, जहाँ एक भी शौचालय नहीं है, जिसके चलते यहाँ आने जाने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ दुकानें चला रही महिलाओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लक्कड़ बाजार में व्यवसाय कर रहे लोगों ने
रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे पिछले काफी समय से बाजार में शौचालय की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वे सांसद, विधायक और वार्ड पार्षदों सभी को बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि बाजार में शौचालय न होने की वजह से वे सड़कों के किनारे शौचालय करने को मजबूर हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार शर्मसार भी होना पड़ता है। वही महिलाओं को शौच करने के लिए भारी असुविधा उठानी पड़ती है। और हम खुले में यहाँ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत लगता है, इसलिए हम सबसे ये आशा करेंगे कि हमारा ये कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। इससे पहले भी हमने कई सांसदों को और अपने वार्ड मेंबरों को, काउंसलर्स को और चेयरमैन को ये इसके बारे में सारा बताया है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा नाम सतपाल है जी, यहाँ मेरी किराने की दुकान है। मुझे जो यहाँ लकड़ बाजार में एक भी शौचालय नहीं है, जो है जितने भी यहाँ पर मेंबर आए हैं, जितने वार्ड के जो यहाँ पर काम कराया सबको हमने, लेकिन किसी ने भी इतनी खबर नहीं सुनी। मैं ये चाहते कि यहाँ पर जो है शौचालय बनाया जाए, और अगर हो सके लेडीज के लिए कहीं जो बाहर से आती हैं, गांव से आती हैं, उनके लिए थोड़ा लेडीज कानून बनाया जाए तो अच्छी बात है। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। इन बीमारियों से अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बचा जा सकता है। यहां बीमारियां ज्यादा गंभीर तो नहीं होती, लेकिन रोगी को परेशान जरूर कर देती हैं। यहां तक कि कई रोगियों की सुंदरता पर ये ग्रहण भी लगा देती हैं। ज्यादा तेज धूप में चलने या खेलने से स्किन की कई तरह की एलर्जी हो जाती है। सोलन के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ ने बताया कि गर्मियों में बैक्टीरियल और फंगल दो तरह के इन्फेक्शन लोगों को होते हैं। ये अधिक पसीना आने से होता है। इसके अलावा ज्यादा धूप में रहने से सनबर्न हो जाता है। इन सब से बचने के लिए गर्मियों में हमें पसीना आने पर शरीर की सफाई रखनी चाहिए। नहाते वक्त ऐसे साबुन उपयोग में लाने चाहिए जो फंगस से सुरक्षा करता हो। इसी तरह हम मेडिकेटेड पाउडर भी उपयोग में ला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ज्यादा ही इसकी चपेट में आ रहा हो तो इसी तरह हम मेडिकेटेड पाउडर भी उपयोग में ला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही इसकी चपेट में आ रहा हो तो हमें तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। उसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि वो जो मरीज है वो डायबिटिक हो या किसी को कोई और इम्यून प्रॉब्लम हो, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मियों में आ सकती है, लेकिन उसके अलावा एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसको भी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा इन्फेक्शन इस मौसम में हो सकती है। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आपको जो अपने एरियाज हैं वो जो कि प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए। दिन में 3-4 बार अपने जो पानी से साफ़ करना चाहिए। उसके अलावा एंटीसेप्टिक सोप्स वगैरह भी आते हैं और कुछ एंटी फंगल जो है पाउडर वगैरह भी आते हैं, और उस पर इसको छिड़क लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये बार बार होता है उसे एक डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए।